देखो उदाहरण नंबर देखेंगे हम लोग पांच चैप्टर नंबर सिक्स का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता अभी क्वेश्चन फिलहाल जितना की उसमें सबसे आसान क्वेश्चन ये है कि आकृति 6.30 में एंगल P हमें निकालना है, ये एंगल का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करके दर्शाना है, दिखाना है, ठीक है। तो यह जानने के लिए यह जानना जरूरी होगा कि यह दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो बोल सकते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग चाहते हैं क्या चीज की इन ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल हम चलते हैं ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में, ये दोनों ट्रायंगल में हम चलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख पाते हैं, ये क्या देख पाते हैं इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल में तुम लोग देख क्या पाओगे, अगर हिंदी में लिखना ये इंग्लिश में लिखना तो ये इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हम देख पा रहे हैं यहाँ ए बी जो है वह है 3.8, ध्यान सुनना, ए बी जो है 3.8 है, ए सी जो है 3√3 है, जो गिवन है वो लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इस ट्रायंगल में क्या है तो हम देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल में कि पी आर जो है वह है 6√3 जबकि पी क्यू जो है वह है 12 जबकि, और हमें पता है क्यू आर इज इक्वल टू 7.6, कितना यह पता है, इस और भी कुछ पता है क्या, बीसी भी 6 पता है, चलो चलो ये भी बात अच्छी है कि बीसी भी है यहाँ पे 6। अब देखो थोड़ा सा भेजा लगा के 6 का दोगुना है 12 जबकि इसका दोगुना है ये, मतलब हम लोग अगर मतलब इसका प्रोपोर्शनल करने जाएंगे तो बीसी प्रोपोर्शनल करने जाएंगे किसके, हाँ तो हम लिख सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि बीसी बाय, ध्यान समझा, बीसी बाय पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम लोग 6/12 और कैंसिल होकर दिया 1/2 यानी कि 1/2, क्लियर है। जबकि अगर हम लोग देखो ए बी का बात करें तो ए बी जो होगा इसका व्यादर ये लग रहा है क्यू आर, इसके सामने लिख दिया क्यू आर इज इक्वल टू क्या दिखेगा तो बी ए बी के जगह पर दिखेगा 3.8 जबकि क्यू आर के जगह दिखेगा 7.6, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 38 1 जा 32 जा 76 1/2 एंड या और या एंड क्या देखेंगे हम लोग, बीसी देख चुके, एसी बचा हुआ था ना, तो एसी बाय एसी का देखो यार रूट वाला रूट से जाएगा ना मिलने, तो रूट वाला रूट से जाएगा मिलने बाय पी आर इज इक्वल टू क्या आएगा 3√3 बाय 6√3 √3 कैंसिल 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी कि आ गया 1/2 और यहां से हमने देखा सभी 1/2 है, यानी हम यहां से देख रहे हैं कि बीसी बाय पी क्यू इज इक्वल टू है ए बी बाय क्यू आर के इज इक्वल टू है क्या चीज, एसी बाय पी आर के, तीनों साइड प्रोपोर्शनल, रूल दिखा ट्रिपल एस, रूल दिखा ट्रिपल एस, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हड़बड़ा के नहीं लिखा जाता है। देखो यहां से देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, ए बी सी लिखे, यहां देखो यही से दिख जाएगा ए बी सी लिखे, यहां से क्या लिखेंगे क्यू आर पी, यही नाम अगर सही से लिखते तो शायद आराम से वहां पर हम लिख देते फ्लो में एकदम। तो देखो कैसे लिखते हैं, ए बी सी तो ले लिए हम लोग कि ए बी, तो देखो ए बी 3.8 का वैरायटी के लिए ये आ रहा है ना, देखो यही भेजा लगाना, देखो ए ऐसे चल रहा है ना, किस डायरेक्शन में चले, इस डायरेक्शन में, फिर यहां से ऐसे मुड़ेंगे अगर, तो देखो 3.8 आया तो क्या आया उसके बाद 6 आया, इधर से आया तो देखो यहां पर 7.6 के बाद आया तो इधर से चलने पर ऐसे या फिर ऐसे आना पड़ेगा और 6 का दुगना 12 दिख रहा है, यानी नाम लिखाएगा आर क्यू पी, क्या लिखाएगा नाम आर क्यू पी, अब सही नाम है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और जब ट्रायंगल सिमिलर और रूल कौन सा लगाए थे तो ट्रिपल एस रूल से, या दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, अतः संगत कोण आपस में बराबर होंगे, अतः संगत कोण क्या होगा समान होगा, यानी कि बोल सकते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल आर इक्वल, यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, जब क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होगा तो ये तो भेजा लगाना है फिर से कि क्रॉसपोंडिंग एंगल कैसे चूज करते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे हम ऐसे चल रहे थे और ऐसे चल रहे थे, यानी कि 7.6 और 12 इसका जस्ट हाफ वाला कौन था ये, तो ये के साथ बनाया ये 60, ध्यान से देखना इसी को, देखो ना बना लिया 60 60 बनाया है, एंगल हमें निकालना है पी, अब देखो आगे का तीर यहां से मारा, ठीक है यहां से मारा फिर ऐसे आया, देखो यहां पे 12 और 6√2 6 का दोगुना 12 इसका दोगुना ये और इसके साथ का एंगल ये, पता है क्या नहीं पता है तो पता करेंगे ना, चलो इससे तो ये पता चल गया कि ये भी क्या हो गया है 80, लेकिन पी हमें पता है क्या नहीं, लेकिन एंगल के ट्रायंगल का सम क्या होता है
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से जो चीज की हम जांचेंगे वो चीज लिख देते हैं कि एंगल जो है क्यू जो है वह एंगल किसके इक्वल आ चुका था, एंगल बी के इक्वल आ चुका था, वह किसके इक्वल था 60 डिग्री के, जबकि एंगल क्या चीज एंगल आर जो था वह आ चुका था एंगल किसके बराबर, एंगल ए के बराबर, एंगल ए के बराबर वह कितना था 80 डिग्री था। अगर हम यहां से नाम से भी देखते तो एंगल पता चल जाता है, यहाँ पे आर के सामने है ए ठीक है, बी के सामने है क्यू और सी के सामने है पी, हमें पी निकालना है, पी तो नहीं पता है ना पता कि हम ये बात जानते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग क्या होता है, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर होता है किसके 180 डिग्री के, इसलिए हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल, इसलिए बोलेंगे ट्रायंगल किसमें पी क्यू आर में, इन लिख देते इन ट्रायंगल पी क्यू आर ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी इज इक्वल टू क्या नहीं पता, वही तो निकालना है, एंगल पी इज इक्वल टू पता नहीं, एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या तो 60 डिग्री, और एंगल आर इज इक्वल टू क्या तो 80 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल पी प्लस दोनों का एड किए तो 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 140 डिग्री, इसलिए एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री, जो कि हमें निकालना था इंग्लिश में, इसको यहाँ लिखना होगा, लिख सकते हो क्या चीज कि एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, आसानी होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ज्यादा अपने नाम पे लिखवा लेना और कुछ समझा लेना, चलो नोट कर लो।